खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा सीए के समर्थन में बुद्धिजीवियों ने मेल मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। आईपीएस कॉन्क्लेव में शामिल होने पुलिस मुख्यालय पहुंचे सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं भारतीय हूं, ये प्रमाणित करने के लिए आप सभी को लाइन में क्यों खड़ा करवा रहे हैं। इससे आम नागरिक, ग्रामीण, पिछड़े वर्ग और अशिक्षित लोग परेशान होंगे। अगर रमन सिंह का नाम किसी बाबू की गलती से छूट गया तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। आसाम में एनआरसी हुआ, 1600 करोड़ खर्च हुआ, लाखों कर्मचारी रखे, ऐसे में पूरे देश में इसे लागू करने के लिए कितने कर्मचारी लगेंगे और कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल इसकी आवश्यकता क्या है? आसाम में एनआरसी हुआ, 10 साल लगे, लाखों कर्मचारी लगे और 1600 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। 3 करोड़ आबादी के एनआरसी करने के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। देश भर में 30 करोड़ जनता की एनआरसी करने के लिए कितने कर्मचारी लगेंगे, कितने वर्ष तक रहेंगे और कितने रुपया लगेगा। और फिर आज जिसको आपने पा लिया आसाम में, उसके साथ क्या हुआ है? उसमें कोई फैसला कर नहीं पाए, आप फिर से कानून ले आए, तो फिर पूरे देश में क्यों झोंक रहे हैं? इसका औचित्य क्या है? ये चाह रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन दरअसल ये आम गरीबों पे आक्रमण है। वहीं रायपुर में सीए के समर्थन